नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज का वीडियो ये आप देख ही रहे हैं, जो फ्लावर है हमारा सर्दियों के फ्लावर का राजा, सर्दियों के जो फूल हैं उनका राजा कहे जाने वाला है ये, और इसका नाम है पेटूनिया। आप देख रहे हैं कितने सारे हमारे पास इनके जो कलर्स हैं वो गार्डन में हमारे लगे हुए हैं, और बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे प्यारे कलर, सारे एक से बढ़कर एक आप देख रहे हैं। और इसमें दो तीन तरह की वैरायटीज ये हैं। एक तो इसको स्टार पेटूनिया बोलते हैं, ये देखिए इसमें स्टार जैसे दो कलर होते हैं तो इसलिए इसको स्टार पेटूनिया बोलते हैं। ये देखिए बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा लग रहा है, ये कलर रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है। तो आज इस फ्लावर के बारे में जानकारी देंगे और सारी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन जो है वो आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको ज़रूर से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और हम बात कर रहे हैं पेटूनिया की। तो पेटूनिया के बारे में बात करेंगे कि जो इतने फ्लावर्स आप देख रहे हैं इन पर, ये कैसे आते हैं और इतनी ग्रोथ जो फ्लावर्स की है वो कैसे मिलेगी, ये सारी जानकारी हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो फ्लावर है पेटूनिया, ये सर्दियों में सबसे अच्छा फ्लावर माना जाता है। और इसके कारण है कि इसके जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं पौधे पर, मतलब एक एक पौधे पर ये मान लीजिए कि 100-150 फूल भी आ जाते हैं। अभी चूंकि हमारे जो प्लांट हैं वो बहुत ही छोटे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी 15-20 दिन ही हुए होंगे इनको पॉलीथीन से यहाँ पर ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, और इनका जो रिज़ल्ट है आप देख रहे हैं ग्रोथ इनकी कितनी अच्छी बनी हुई है, और अभी 15-20 फ्लावर इन पर आ रहे हैं। तो ये जो पौधा है ये देखिए, इस पर तो काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग है। तो इतनी फ्लावरिंग हम कैसे पाएंगे, सबसे पहले हमने अपने पौधे को ग्रोथ में लाने के लिए, जो छोटा पौधा होता है जब हम इसकी नर्सरी से सैपलिंग खरीद कर लाते हैं या छोटा पौधा लेकर आते हैं, तो उसको पहले हमने फर्टिलाइज करके और अच्छे से उसका पालन पोषण करना है। ये देखिए हम छोटे पौधे की बात कर रहे थे, ये मैंने अभी सैपलिंग लगाई है और इसकी ग्रोथ अभी स्टार्ट हो गई है। इसमें जो सबसे ज़रूरी काम रहता है वो रहता है कि टाइम टाइम पर इनको फर्टिलाइज करते रहना है, और साथ में ही एक ज़रूरी काम ये है कि इनके जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा गीली ना रहे, नहीं तो इनमें फंगस लग सकती है। और जो इनकी ब्रांचेज निकलती हैं इनको टाइम टाइम पे हमने पिंच करते रहना है ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो नई बनी रहे। जैसे मैंने अभी कल ही ये पिंच किया था, यहाँ से आप देख भी रहे होंगे, ये देखिए इसको मैंने पिंच किया था, अब यहाँ से इनकी नई ग्रोथ, ये बिल्कुल साइड में आप देखिए, ये देखिए ये इसकी नई ग्रोथ यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी, और फ्लावर का जो प्लांट है आपका ये बूसी होता चला जाएगा। तो इस पे शुरू कर दिया है हमने काम करना, और ये जो पौधे और हैं इन पे भी ये काम करना हम अब शुरू कर देंगे। तो इस तरह से जो रिजल्ट है हमारा वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा, और जो फ्लावरिंग है प्लांट पर वो बहुत ही अच्छी आएगी, ये देखिए। तो इनमें एक तो स्टार पेटूनिया आपने देखा, और ये एक जो सिंपल नॉर्मल कलर के आते हैं वो होते हैं, मतलब इनमें सिंगल शेड होती है और दूसरा कलर नहीं होता। एक दूसरा और रहता है जिसमें ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर दूसरा कलर है और अंदर जो फ्लावर है उस पर दूसरा कलर आएगा, तो ये एक अलग तरह की वैरायटी होती है। और एक ये अलग वैरायटी है, इसमें देखिए जो अंदर ये स्टार पेटूनिया जैसी जो लाइनिंग है ये बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें तो बिल्कुल सपाट ये स्टार हैं, लेकिन इसमें एकदम से फैला हुआ कलर है, तो ये अलग वैरायटी का पेटूनिया है। तो ये सारी वैरायटीज़ हैं पेटूनिया की। अब दूसरा काम जो हमने करना है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने पौधे को इतना बूसी बनाने के लिए और ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए, तो
ये जो फ्लावर आप देख देख रहे हैं, ये जैसे इस तरह से ये फ्लावर खिल के अब मुरझा गया है, तो इसकी लाइफ जो है फूल की वो पूरी हो चुकी है। तो अब हमने इस पे क्या करना है कि इस फ्लावर को यहाँ से हटा देना है, रिमूव कर देना है। इस तरह से ये आप इसको रिमूव कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आगे जो है इस पर फ्लावरिंग जो है और ज़्यादा बूस्ट होगी, क्योंकि आपने जो ये फ्लावर हटाया है खिला हुआ, इससे क्या होगा पौधे की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी, और पौधे पर जो नई नई बर्ड्स हैं, नई नई टहनियाँ हैं वो निकल के आएंगी। तो इस तरह से आपको पिंचिंग करते रहना है, इसको पिंचिंग बोलते हैं, और ये पिंचिंग करते हुए आपको अपने जो पुराने फूल हैं उनको टाइम टाइम से हटाते रहना है, ताकि इसमें सीड स्पॉट ना बने, और सीड स्पॉट नहीं बनेगा तो जो पौधा है उसकी सारी एनर्जी जो है वो फूलों पर लगेगी और काफ़ी ज़्यादा फूल इन पर खिलेंगे। तो ये तो बात थी पिंचिंग की, जो मेन काम हमने करते रहना है। उसके बाद अब दूसरा काम है कि हमने फर्टिलाइज भी इनको टाइम टाइम पे करना है, ताकि इनमें जो है पोषक तत्व जो हैं वो कम ना पड़े, और जो आवश्यक चीज़ें पौधे को चाहिए हो वो बराबर मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये है मस्टर्ड केक है ये, इसको मस्टर्ड केक भी बोलते हैं, और इसको सरसों की खली भी बोलते हैं। मस्टर्ड केक इंग्लिश में और सरसों की खली हिंदी में इसको बोला जाता है। और ये एक, वैसे तो इसकी जो फॉर्म होती है वो टुकड़े टुकड़े से होते हैं, लेकिन अभी क्या है ये हमने इसको थोड़ा सा पीस लिया है, महीन किया हुआ है, तो इस वजह से आपको ये बारीक दिख रहा है। और साथ में हमने लिया है ये, साथ में ये देखिए, ये हमने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको केचुए की खाद भी बोला जाता है, केचुए की खाद है ये देखिए। ये दोनों चीज़ें आपने अपने पौधे में टाइम टाइम से देनी है, और देने का जो तरीका है वो ये इस तरह से रहेगा कि आप एक चम्मच, एक या दो चम्मच आप टाइम टाइम से अपने पौधे में हर 15 दिन के इंटरवल में आप इस तरह से दो चम्मच अपने प्लांट में दे सकते हैं। प्लांट में चम्मच देने के बाद आपको इसको हल्के से मिट्टी में मिक्स कर देना है, मेरी जो मिट्टी है वो काफ़ी हल्की है तो आसानी से ये मिक्स हो जाएंगे। दो चम्मच ये देने के बाद आपने मस्टर्ड केक जो आपने लिया हुआ है ये, इस मस्टर्ड केक की केवल एक चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं देना है इसको, केवल एक चम्मच आपने इसको देना है, और एक चम्मच जो है वो इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं। एक तरीका तो इसको डालने का ये है, इस तरह से चम्मच से आप डाल दीजिए। दूसरा तरीका जो है वो इसको पानी में घोलकर आप दे सकते हैं। पानी में घोलने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, और इसको करना क्या है कि आपने 50 ग्राम 1 लीटर में घोलना है इसको, और उस 1 लीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर अपने जो पौधे हैं उनमें डाल देना है। कहने का मतलब है कि 50 ग्राम आपने सरसों की खली ली, उसको 1 लीटर पानी में भिगो लिया, वो जब भीग जाती है उसको 48 घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद उस पानी को आप 10 लीटर पानी में मिला करके इसको आप अपने पौधों में हफ्ते में एक दिन आराम से डाल सकते हैं। तो ये सारी फर्टिलाइज़र की जानकारी है, और आप प्लांट की जो हमारे ग्रोथ देख रहे हैं वो भी आप सामने हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ इनकी चल रही है। तो इस तरह से उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और जो जानकारी मैंने दी है उम्मीद है कि आप भी उसका लाभ लेंगे। तो चलते हैं, और इस वीडियो में बस इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।